नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। लगातार आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और हर कोई पूरा उत्साहित है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। उन्होंने भी सुबह योग किया अपने सुबह। हाँ, बहुत अच्छा लगा, सुबह किया। माशाल्लाह, हमारी जमीयत की पूरी टीम आई है, तमाम उलमाए किराम आए हैं, बहुत अच्छा। आनंद के साथ, आराम के साथ, और आंखें इस आसन में बंद रहेंगे। पहले भी आपने कभी योग किया? पहले कभी नहीं किया था, पहले दफा डीएम साहब ने हमें दावत दी थी, आना है, तो हम इसलिए आए। शरीर में बहुत अच्छा लगा। कैसा अनुभव रहा जी आपका योग पर? बहुत उम्दा तरीके से स्वास्थ्य बनेगा, इससे आपस में प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगा। इससे प्यार मोहब्बत बढ़ने का भी है, स्वास्थ्य बनने का भी है, इसकी तो जरूरत है सब। कौन सा आसन सबसे बढ़िया लगा? कुछ आसन मुश्किल भी थे, दिक्कत भी हुई कि नहीं हुई? ये जो नमाज के बारे में उन्होंने बताया कि भाई नमाज में जैसे तहियात में बैठते हैं हम लोग, अगर 20 मिनट या 10 मिनट आदमी बैठ जाए और बैठने के बाद उस दौरान आदमी बैठता है तो उसमें पाचन शक्ति बढ़ती है और आदमी की यानी दिमाग को कुवत बढ़ती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात यह है कि इस प्रोग्राम के करने से भाईचारा बढ़ेगा, मिलजुल के सब लोग आए तो इससे बड़ी सबसे बड़ी बात है। मुबारक, भाईचारा तो बढ़ेगा ही, लेकिन संकल्प ले लिया बाद से रोज योग होगा। जी, बस आज हो गया तो आगे आगे भी होगा। जी, इंशाल्लाह करेंगे। आप बताइए कैसा रहा अनुभव? जी, बहुत अच्छा रहा जी, बहुत खुशी हुई मुझे। वाकई भाईचारे की तो बात हो रही है, लेकिन आगे संकल्प भी लिया जा रहा है कि आगे भी इसी तरीके से योग चलता रहेगा। अपने सहयोगी सार्थक शर्मा के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।